एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसको करते हैं। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू के फॉर्म में जो रैशनल नंबर्स है आप उनको एग्जांपल्स को देखो। वे पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स हैं विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन। मतलब पी और क्यू ऐसे इंटीजर्स हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। मतलब उनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, मतलब टर्मिनेट हो जाता है यानी कि एंड आ जाता है, हम जीरो आ जाता है, रिमाइंडर अल्टीमेटली हमें मिल जाता है। एंड कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। अब आप इसको इस तरीके के एग्जांपल्स देख के क्या आप बता सकते हैं कि क्यू को कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसके पहले कह रहे हैं कि उनका कॉमन फैक्टर नहीं है, कहना ये चाहते हैं कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो रैशनल नंबर्स जहाँ जब इनको डिवाइड करो आप तो दे शुड बी टर्मिनेटिंग। ठीक है, और इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए इन दोनों का। सपोज कि अगर मैं लिखती हूँ 2/5, तो क्या ये दोनों किसी, इनका कोई कॉमन फैक्टर है, किसी एक ही टेबल में दोनों आते हैं? नहीं। सिमिलरली अगर 3/5 लिख दें तो भी नहीं आते, राइट? ओके, अच्छा, तो अभी ये प्रॉपर्टी, अभी इनको अगर हम आंसर देख लें, 2/5 जो मैंने पहला लिखा, इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाता है 0.4, है ना। देखिए आप 2 को डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो जा नहीं रहा है, छोटा है, तो डेसिमल लगाया, 0 हो गया, 5 4 20। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाता है। और अगर हम 3/5 को करें डिवाइड तो इस केस में हमें मिल जाता है 0.6। तो ये टर्मिनेटिंग है, है ना, टर्मिनेटिंग भी है, प्लस इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस बेसिस पे हम ये कंक्लूड करते हैं कि क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए इनकी। प्रॉपर्टी जो इन्हें सेटिस्फाई करना चाहिए कि द डिनोमिनेटर शुड आइदर बी 2। डिनोमिनेटर या तो 2 हो या 2 का कोई भी मल्टीपल हो, यानी कि 2 × 2 × 2, एनी नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, दूसरा डिनोमिनेटर हो सकता है 5 या 5 का कोई भी मल्टीपल, यानी 5 भी कितनी भी बार मल्टीप्लाई हो जाए, तो जब उसको आप सॉल्व करोगे आपको टर्मिनेटिंग ही मिलेगा। ठीक है, और तीसरा एक हो सकता है कि यह 2 और 5 दोनों के मल्टीपल्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो आप इसको भी कर सकते हैं। सो वी कैन राइट कि जब प्राइम फैक्टर्स करेंगे हम किसके, डिनोमिनेटर के। सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू हैज ओनली पावर्स ऑफ 2, 5 और या तो 2 की पावर्स हों, 5 की पावर्स हों, और बोथ, मतलब 2 और 5 बोथ। मतलब ये कि डिनोमिनेटर में 2^m × 5^n बोथ, दोनों भी हो सकते हैं, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो बस इसलिए ये हमारे हो गए एग्जांपल्स, ये हमारा हो गए प्रॉपर्टी। ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7।